हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया के इलाज के बारे में। व्यूअर्स, आज हीमोफीलिया में बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं, उसमें जो फैक्टर दिए जाते हैं उसके जो अब नए रूप निकल कर आए हैं उसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली तो ये कि इसके फैक्टर की लाइफ ज़्यादा है, यानी जो फैक्टर पहले 2 से 3 दिन में लिए जाते थे अब वो हफ्ता या 2 हफ्ते में भी अगर लिए जाते हैं तो आराम से काम चल सकता है। दूसरा इसमें जो चेंज आया है कि फैक्टर जो नस में लिया जाता है अब वो स्किन में भी लिया जा सकता है, जैसे कि इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है तो इसे कोई भी लगा सकता है और ये बहुत आसान भी है, और अगर इसको एक बार लगाया जाता है तो ये लगभग 1 महीना तक काम करेगा। और अब नेक्स्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से माना ये जाता है कि लगभग इस बीमारी को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो क्या है ये जीन थेरेपी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये जीन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोटीन बनाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये जीन ही होते हैं जो आपको आपके माता पिता से मिलते हैं, जो निर्धारित करते हैं कि आप लंबे होंगे या शॉर्ट, आंखें भूरी होंगी या नीली, या कि आप स्वस्थ रहेंगे या फिर बीमार। इसमें स्टेम सेल और जीन थेरेपी के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल क्योर देने का प्रयास किया जाता है, जिसका कारण था सिंगल मिस्टेक ऑफ म्यूटेशन इन जीन, जिसके कारण पेशेंट बहुत सारी पेनफुल कंडीशन से गुजरता है। इसे सिंगल डीएनए म्यूटेशन चेंज से ठीक किया जा सकता है। इस प्रोसेस में डिफेक्टेड सिकल सेल जीन को हटाकर नया करेक्ट सेल ऐड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में पेशेंट की रीढ़ से बोन मैरो लिया जाता है, स्टेम सेल को लैब में अलग किया जाता है और ठीक हुआ जीन उसमें मिलाकर फिर दोबारा पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू दे दिया जाता है। आज इस प्रोसेस ने लोगों में हेल्दी लाइफ जीने की उम्मीद को बढ़ाया है। व्यूअर्स, जीन थेरेपी भारत में बिल्कुल नई है और भारत में इस थेरेपी पर जो रिसर्च चल रही है और उसका जो हिस्सा है वो डॉक्टर नरेश गुप्ता है। डॉक्टर नरेश गुप्ता डायरेक्टर प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग लोक नायक हॉस्पिटल दिल्ली में। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार जो जीन थेरेपी पर रिसर्चेज हुई हैं उसमें हीमोफीलिया ए और बी दोनों में ही इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार अगर जीन थेरेपी का एक टीका लिया जाए तो ये 8 से 10 साल तक काम करेगा, तो ये बहुत खुशी की बात है उन सभी के लिए जो हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, चाहे वो बच्चे हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी व्यक्ति, उन्हें खुश होना चाहिए कि आज इस थेरेपी से इस बीमारी का ट्रीटमेंट संभव है। हाँ, ये अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है और इस पर अभी रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन जल्दी ही ये सभी जगह अवेलेबल हो जाएगा और जैसे ही ये अवेलेबल होगा इसकी सूचना आप सभी को हर माध्यम से मिलेगी। मैं वीडियो के माध्यम से भी इसको देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है और वो है योगा और फिजियोथेरेपी, तो इसको भी ना छोड़ें, इसको भी साथ में रखें। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। आई होप इस वीडियो से जो जानकारी आपको मिली है वो आप दूसरों में भी देंगे जिससे उनके चेहरे पर भी खुशी आए और उन्हें ये लगे कि हाँ अब इसका ट्रीटमेंट संभव है, क्योंकि अभी तक तो सब यही सोचते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद ये ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर होगा, हर व्यक्ति के लिए कॉमन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।